दोस्तों, क्या घर बैठे बोर हो रहे हो? चलो आज कुछ मजेदार करते हैं। चलो खड़े होते हैं और सब मिलके डांस करते हैं। जो है वो महान है, उसका नाम है यीशु। मैं हूँ एक विजयी, जयवंत से बढ़कर उसके राज का वारिस, पवित्र आत्मा से भरा हुआ। उसकी स्तुति मैं नाच के करूं, नाच के चाहे जो हो जाए, मुझ में जो है वो महान है, उसका नाम है, उसका नाम है यीशु। और मैं हूँ एक विजयी, जयवंत से बढ़कर उसके राज का वारिस, पवित्र आत्मा से भरा हुआ। मेरे दिलों ने बना दिया, समृद्धि ना होगा, मुझ में जो है वो महान है, उसका नाम है यीशु। मैं हूँ एक विजयी, जयवंत से बढ़कर उसके राज का वारिस, पवित्र आत्मा से भरा हुआ। मेरे विरोध बना दिया, कभी नहीं समृद्ध ना होगा, क्योंकि मुझ में जो है वो महान है, और उसका नाम है यीशु। मैं हूँ एक विजयी, जयवंत से बढ़कर साथ में उसके राज का वारिस, पवित्र आत्मा से भरा हुआ। चलो अब हम प्रार्थना करते हैं, गॉड से बातें करते हैं। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, आपका स्वागत है आज के चिल्ड्रन चर्च में। यह हमारा वर्ष है तैयारी का, हम तैयार है सुसमाचार के साथ, हमारा हृदय तैयार है, हम परमेश्वर के घर में काम करने को तैयार है और हम परमेश्वर से मिलने को तैयार है। आइए हम प्रार्थना करते हैं कि ये वर्ष हमारे लिए महान है। हाथों को स्वर्ग की ओर उठाएंगे, आंखों को बंद करके धन्यवाद शब्द में बात करेंगे। ओरी बल उस लबा आंगे लबो लबो जिक्रे ले कस रकान तोशन और कस रकान तोशन ओरी बल उस लबा आंगे लबो लबो जिक्रे ले कस रकान तोशन और कस रकान और कस रकान तोशन ओरी बल उस लबा आंगे लबो लबो जिक्रे ले कस रकान तोशन और कस रकान तोशन और कस रकान तोशन और कस रकान ओरी बल उस लबा आंगे लबो लबो जिक्रे ले कस रकान तोशन और कस रकान तोशन। मैं धन्यवाद करता परमेश्वर हर जवान ने, हर जवान बच्चा पूरा सब तैयार है आपसे मिलने के लिए यीशु मसीह के नाम में। ओरी बल उस कलवान ने लबो जिक्रे ले कस रकान तोशन और कस रकान तोशन। ये वर्ष हम महान काम को कर रहे और बड़ी चीजों को कर रहे और कस रकान तोशन और कस रकान तोशन।
ओरी बाले बोसी लोग आम दिल लोग बोसी का बोसी के लड़े कसर कंतोषन और कसर कंतोषन और कसर कंतोषन और कसर कंतोषन ओरी बाले बोसी लोग आम दिल लोग बोसी का बोसी के और कसर कंतोषन और कसर कंतोषन ओरी बाले बोसी लोग आम दिल लोग बोसी का बोसी के लड़े कसर कंत और कसर कंतोषन और कसर कंतोषन ओरी बाले बोसी लोग आम दिल लोग बोसी का बोसी के और कसर कंतोषन और कसर कंत ஒரு வேலை புஸ்கலமா ஆந்தில போசி கவசிக்கிற கசவரிக்கான் தோஷ்கன் ஒரு கசவரிக்கா ஒரு வேலை புஸ்கலமா ஆந்தில போசி கவசிக்கிற கசவரிக்கான் தோஷ்கன் தோஷ்கன் ஒரு கசவரிக்கான் தோஷ்கன் ஒரு வேலை புஸ்கலமா ஆந்தில போசி கவசிக்கிற கசவரிக்கான் தோஷ்கன் ஒரு கசவரிக்கான் தோஷ்கன் ஒரு கசவரிக்கான் தோஷ்கன் ஒரு கசவரிக்கான் தோஷ்கன் ஒரு வேலை புஸ்கலமா ஆந்தில போசி கவசிக்கிற ஒரு கசவரிக்கான் தோஷ்கன் ஒரு கசவரிக்கான் தோஷ்கன் ஒரு வேலை புஸ்கலமா ஆந்தில போசி கவசிக்கிற கசவரிக்கான் ஒரு கசவரிக்கான் தோஷ்கன் ஒரு கசவரிக்கான் தோஷ்கன் ஒரு வேலை புஸ்கலமா ஆந்தில போசி கவசிக்கிற ஒரு கசவரிக்கான் தோஷ்கன் ஒரு கசவரிக்கான் ஒரு வேலை புஸ்கலமா ஆந்தில போசி கவசிக்கிற கசவரிக்கான் தோஷ்கன் ஒரு கசவரிக்கான் ஒரு வேலை புஸ்கலமா ஆந்தில போசி கவசிக்கிற கசவரிக்கான் தோஷ்கன் சிலவா ஆந்தில போசி கவசிக்கிற கசவரிக்கான் தோஷ்கன் ஒரு கசவரிக்கான் தோஷ்கன் ஒரு கசவரிக்கான் தோஷ்கன் ஒரு வேலை புஸ்கலமா ஆந்தில போசி கவசிக்கிற கசவரிக்கான் தோஷ்கன் ஒரு கசவரிக்கான் தோஷ்கன் ஒரு வேலை புஸ்கலமா ஆந்தில போசி ஒரு கசவரிக்கான் தோஷ்கன் ஒரு வேலை புஸ்கலமா ஆந்தில போசி கவசிக்கிற கசவரிக்கான் தோஷ்கன் ஒரு கசவரிக்கான் தோஷ்கன் ஒரு கசவரிக்கான் தோஷ்கன் ஒரு கசவரிக்கான் தோஷ்கன் ஒரு கசவரிக்கான் ஒரு வேலை புஸ்கலமா ஆந்தில போசி கவசிக்கிற கசவரிக்கான் தோஷ்கன் ஒரு கசவரிக்கான் தோஷ்கன் ஒரு வேலை புஸ்கலமா ஆந்தில போசி கவசிக்கிற கசவரிக்கான் தோஷ்கன் ஒரு வேலை புஸ்கலமா ஆந்தில போசி கவசிக்கிற கசவரிக்கான் தோஷ்கன் தோஷ்கன் ஒரு கசவரிக்கான் தோஷ்கன் ஒரு வேலை புஸ்கலமா ஆந்தில போசி கவசிக்கிற ஒரு கசவரிக்கான் தோஷ்கன் ஒரு கசவரிக்கான் தோஷ்கன் ஒரு கசவரிக்கான் धन्यवाद 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 परमेश्वर धन्यवाद। इस प्रार्थना को यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, आमेन। हालेलुया। थैंक यू हमारे साथ प्रार्थना करने के लिए। बाय। गॉड ब्लेस यू। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? आपको पता है साइन लैंग्वेज सीखने से क्या होता है? मैं बताता हूँ। ये आपको ध्यान देने में आपकी हेल्प करता है, जिससे आप चीजों को और अच्छे से याद रख पाओगे। ये आपके दिमाग को और तेज करता है और आप पढ़ाई में, खेलने में और अच्छे से फोकस कर पाओगे और आप छोटे बेबी से भी बात कर पाएंगे। है ना मजेदार ये? तो चलो सीखते हैं। और हमारे पेरेंट्स भी इन चीजों पे ध्यान दे सकते हैं। आज हम सांकेतिक भाषा में गाना सीखेंगे। हुरे! तो क्या शुरू करें? हालेलुया! प्रेज द लॉर्ड! यीशु के नाम में सब कुछ मुमकिन है। हे! ताली बजा सकते हैं। यीशु तू मेरा है खुदा, ओ मेरे यीशुआ, संग तेरे मैं पूरा हूँ। हर पल मेरे संग तू है रहता, मुझ में तू है जीता, संग तेरे मैं चलता हूँ। सब कुछ है मुमकिन यीशु के ही नाम में, यीशु के ही नाम में। और नहीं है कुछ मुश्किल यीशु के ही नाम में, यीशु के ही नाम में। सब कुछ है मुमकिन यीशु के ही नाम में, यीशु के ही नाम में। नहीं है कुछ मुश्किल यीशु के ही नाम में। ना मुझको है कोई डर क्योंकि संग है यीशु मसीह, ना मुझको है कोई फिक्र क्योंकि संग है यीशु मसीह, ना मुझको है कोई डर क्योंकि संग है यीशु मसीह, ना मुझको है कोई फिक्र क्योंकि संग है यीशु मसीह। यीशु तू है सबसे महान, ऊंचा है तेरा नाम, महिमा हो तेरी तेरी तेरी। हम स्तुति करेंगे, नाचेंगे गाएंगे, तारीफ है तेरी। सब कुछ है, सब कुछ है मुमकिन यीशु के ही नाम में, यीशु के ही नाम में। यीशु के ही नाम में। अब नहीं
के नाम में। मुझ में है सामर्थ, मुझ में है योग्यता, कर सकता मैं सब कुछ, ना कोई रोक सकता। यीशु की मैं रचना, रचा उसके समान, कहने से थम जाते हैं ये आंधी और तूफान। झुकाऊं आसमान में, हिलाऊं हर पहाड़ में, चलूं मैं पानी पे भी यीशु में विश्वास से। खोलूं अंधों की आंखें, भरूं मुर्दों में सांसे। सुन लो सब कान वालों मेरी हर एक बातें। हे डांस अपने स्थानों में नाच सकते हैं। अंधे भी देखते हैं उसके नाम में। हे अंधे भी है अब देखते, पहरे सुनने लगे, कमाल है तू। लंगड़े चलने फिरने लगे, घूमे गाने लगे, बेमिसाल है तू। सब कुछ है, सब कुछ है मुमकिन यीशु के ही नाम में। यीशु के ही नाम में अब नहीं है कुछ मुश्किल यीशु के ही नाम में। यीशु के ही नाम में सब कुछ है मुमकिन यीशु के ही नाम में। यीशु के ही नाम अब नहीं है कुछ मुश्किल यीशु के ही नाम में। ना मुझको है कोई डर क्योंकि संग है यीशु मसीह। ना मुझको है कोई फिक्र क्योंकि संग है यीशु मसीह। ना मुझको है कोई डर क्योंकि संग है यीशु मसीह। ना मुझको है कोई फिक्र क्योंकि संग है यीशु मसीह। ना मुझको है कोई डर क्योंकि संग है यीशु मसीह। ना मुझको है कोई फिक्र क्योंकि संग है यीशु मसीह। हालेलुया, हम सब कुछ कर सकते हैं। हे अब ये समय है बच्चों की रैप्सोडी का, और हम बहुत अच्छी अच्छी बातें सीखने वाले हैं। हेलो फ्रेंड्स, आज का संदेश है आपके हृदय का वातावरण। परमेश्वर का वचन बीज है, लूका 8:11। अगर आपको कौन का बीज बोना है उदाहरण के रूप में, तो आप उसे आपके तकिए के नीचे ना ओवन के अंदर नहीं रखेंगे। कौन का बीज इस प्रकार के वातावरण में का नहीं है। आपको बीज को जमीन के अंदर बोना पड़ेगा ताकि वो बढ़े। प्रभु यीशु आज के हमारे वचन में ये कहता है कि ये परमेश्वर का वचन बीज है, और उसे बढ़ने के लिए और परिणामों को पैदा करने के लिए सही वातावरण में उसे बोना पड़ेगा। और यह वातावरण आपके हृदय में गहराई में है। जैसे यह वचन को सुनते हैं आपके सहभागिता के समय में, या फिर जब आप वास्तविकता संग्रह को पढ़ते हैं, उसे ध्यान से सुनिए और उसे अपने हृदय में गहराई से जाने दे, और वह आपके जीवन में परिणामों को पैदा करेगा। अपने हाथों को उठाएंगे और मेरे पीछे बोलेंगे, मेरा हृदय विश्वास से भरा है। जैसे ही मैं वचन को ग्रहण करती हूँ, मैं उसे काम में लगाती हूँ और वो मेरे लिए परिणामों को पैदा करता है। वैसे परिणाम जिसके विषय में वो बात करता है। हालेलुया, थैंक यू, गॉड ब्लेस यू, बाय। बैठे बैठे बोर हो गए, चलो खड़े होते हैं और सब मिलके डांस करते हैं। स्वर्ग और पृथ्वी टल जाएंगे और इसका वचन हमेशा रहेगा। हालेलुया, आनंद मनाते हुए को पृथ्वी पर जाएंगे, पर उसका वचन हमेशा रहेगा। को पृथ्वी पर जाएंगे, पर उसका वचन हमेशा रहेगा। उसका वचन सदा के लिए,
दर्शन में जितना देखोगे उसकी स्वरूप में बदलते जाओगे, उसके वचन में जितना देखोगे उसकी स्वरूप में बदलते जाओगे। वचन तेरे पैरों के दीपक है और रास्ते में प्रकाश, उसका वचन तेरे पैरों के दीपक है और रास्ते में प्रकाश। स्वर्ग और पृथ्वी टल जाएंगे पर उसका वचन हमेशा रहेगा, स्वर्ग और पृथ्वी टल जाएंगे पर उसका वचन हमेशा रहेगा। जीवन वो तुम्हें बनाने के योग्य, उसका वचन है सारा जीवन वो तुम्हें बनाने के योग्य। उसका वचन जितना तुम सुना विश्वास ऊर्जा बढ़ते जाओगे, उसका वचन जितना तुम सुनोगे विश्वास में उतने ही बढ़ते जाओगे। स्वर्ग और पृथ्वी पर जाएंगे पर उसका वचन हमेशा रहेगा, स्वर्ग और पृथ्वी पर जाएंगे पर उसका वचन हमेशा रहेगा। उसके वचन में जितना देखोगे उसके स्वरूप में बदलते जाओगे, उसके वचन में जितना देखोगे उसके स्वरूप में बदलते जाओगे। उसका वचन तेरे पैरों के दीपक है और रास्ते में प्रकाश, उसका वचन तेरे पैरों के लिए दीपक है और रास्ते में प्रकाश। स्वर्ग और पृथ्वी टल जाएंगे पर उसका वचन हमेशा रहेगा, स्वर्ग और पृथ्वी टल जाएंगे पर उसका वचन हमेशा रहेगा। जीवन वो तुम्हें बनाने के योग्य, उसका वचन है सारा जीवन वो तुम्हें बनाने के योग्य। उसका वचन जितना तुम सुना विश्वास में बढ़ते जाओगे, उसका वचन जितना तुम सुनोगे विश्वास में उतने ही बढ़ते जाओगे। स्वर्ग और पृथ्वी टल जाएंगे पर उसका वचन हमेशा रहेगा, स्वर्ग और पृथ्वी टल जाएंगे पर उसका वचन हमेशा रहेगा। कैसे हैं आप? बोलिए मैं आशीषित हूँ, आई एम ब्लेस्ड। और जहां कहीं पर भी आप हैं, आपके दोस्त, आपके भाई बहन आपके साथ हैं, एक प्यारी सी मुस्कान के साथ हाई फाई देके कह सकते आपका स्वागत है, हालेलुया। और पिछले रविवार को हमने सीखा था दूसरों को यीशु मसीह के बारे में बताओ, और मुझे विश्वास है कि आप बता रहे हैं और बताते रहिएगा, ये काम बहुत जरूरी है। और आज हम जिस विषय के ऊपर बात करने वाले हैं वो है लेट योर लाइट शाइन, अपने प्रकाश को चमकने दो। जब यीशु मसीह इस पृथ्वी पर थे उन्होंने अपने प्रकाश को बहुत तेज बहुत महान रूप से चमकाया। आप सोचेंगे कैसे चमकाया?
जब यीशु मसीह ने अंधों की आंखें खोली, बीमारों को चंगा किया, मुर्दों को जिंदा किया, जब यीशु मसीह प्रेम के साथ उन लोगों तक पहुंचे सुसमाचार के साथ, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, जब उन्होंने परमेश्वर के बारे में दूसरों को बताया, परमेश्वर के प्रेम के बारे में बताया, यीशु मसीह ने क्या क्या अपने उस प्रकाश को चमकाया, हालेलुया। और यीशु मसीह ने कहा कि मैं इस विश्व की ज्योति हूं, और कोई आश्चर्य नहीं कि यीशु मसीह ने हमारे लिए अपनी जान दी, पूरी दुनिया के लिए यीशु मसीह ने अपनी जान दी और हमें अंधकार में से निकाल कर प्रकाश में लाया, हालेलुया। और मत्ती उसका 5:14 कहता है, तुम इस विश्व की ज्योति हो, हालेलुया। वो हमारी बात कर रहा है, मेरी और आपकी बात कर रहा है, वो कह रहा है कि हम क्या है, इस विश्व की ज्योति है, हालेलुया। और क्या कह रहा है, ज्योति है, होने वाले नहीं है, हम है। जिस दिन हमने कहा कि यीशु मेरा प्रभु है, उसी दिन हम क्या बन गए थे, इस विश्व की ज्योति, हालेलुया। अब हमें यह तय करना है कि मुझे कितना चमकना है, इतना 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 या इतना, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। और हम कैसे चमक सकते हैं, जो भी हमारे पास टैलेंट है, हम अच्छा गाते हैं, नाचते हैं, अच्छा बोलते हैं, अच्छा ड्राइंग करते हैं, अपने टैलेंट का क्या कीजिए, इस्तेमाल कीजिए परमेश्वर की महिमा के लिए, परमेश्वर के राज्य के विस्तार के लिए उसका इस्तेमाल कीजिए, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। आप स्कूल में जाते हैं, ट्यूशन जाते हैं, आपके फ्रेंड्स अगर कोई ऐसा है जो पढ़ाई में कमजोर है, तो उनकी सहायता कीजिए पढ़ाई में, और उन्हें सुसमाचार भी बताए, वचन भी सिखाइए। याद रखिए, जैसे उनके पास वचन आते जाएगा, उनके पास बुद्धि भी आएगी, तो उन्हें उनकी सहायता कीजिए, हालेलुया। और हमेशा मुस्कुराइए, याद रखिए जब आप मुस्कुरा रहे हैं तो उससे भी क्या हो रहा है, आपका प्रकाश चमक रहा है। जिनसे भी आप मिलते हैं कैसे बात कीजिए, प्रेम और सम्मान के साथ। याद रखिए, हम परमेश्वर की संतान है, हमारे अंदर किसका स्वभाव है, परमेश्वर का, परमेश्वर की सत्यनिष्ठा हमारे अंदर है। तो जब हम बात करते हैं, किसी से भी मिलते हैं, तो कैसे बात करते हैं, प्रेम और सम्मान के साथ, किसी के साथ गुस्सा नहीं, किसी के साथ झगड़ा नहीं, है ना। हर व्यक्ति से क्या करना है, प्रेम करना है, जैसे पिता ने हमसे किया, हालेलुया। और दूसरों को यीशु मसीह के बारे में बताइए, हालेलुया। और पवित्र आत्मा ने हम सबको वरदान दिए, उपहार दिए हैं, हालेलुया। हाँ, उसका इस्तेमाल कीजिए अपने वातावरण में बदलाव को लाने के लिए, अपने विश्वास के शब्दों के द्वारा। अगर आप अपने आसपास कोई ऐसी चीज देखते हैं जो सही नहीं है, तो मत सोचिए कि ओ मैं तो सिर्फ 5 साल का हूँ, 7 साल का हूँ, 10 साल का हूँ, 12 साल का, मैं क्या कर सकता हूँ। नहीं, याद रखिए, परमेश्वर की संतान के रूप में आपके शब्द में क्या है, सामर्थ है, और पवित्र आत्मा ने आपको उपहार दिए, उनका इस्तेमाल कीजिए अपने वातावरण को बदलने के लिए। विश्वास के शब्दों को बोलिए, जब आप बोलेंगे चीजें बदलेंगी, हालेलुया। हाँ, वो सामर्थ आपके पास है, अपने वातावरण को बदलिए, अपने आसपास की चीजों में क्या कर सकते हैं आप, बदलावों को ला सकते हो। सकते हैं घर में हो, एरिया में हो, आपके देश में हो, आपके स्कूल में हो, कहीं पर भी हो सकता है, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। और दूसरों को यीशु मसीह के बारे में बताइए। याद रखिए, परमेश्वर का वचन क्या कहता है कि सुसमाचार परमेश्वर का एकमात्र सामर्थ्य मनुष्य को बचाने का। तो इसलिए बहुत जरूरी है कि हम दूसरों को क्या करें, यीशु मसीह के बारे में बताएं, वो सारी चीजें बताएं जो यीशु मसीह ने हमारे लिए किया, परमेश्वर ने हमारे लिए किया। और हमेशा याद रखें कि आप क्या हो, प्रकाश हो। और प्रकाश क्या करता है, चमकता है। जब प्रकाश होता है तो हम चीजों को देख सकते हैं,
तो जब वचन कहता है कि हम प्रकाश है, तो हम क्या, जब हम चमक रहे हम क्या करें, दूसरों की सहायता करें कि वो भी देखें। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। अगर अंधेरा होगा तो हमें कमरे में भले कितनी भी चीजें हमें दिखाई देंगी, नहीं दिखाई देंगी, लेकिन जैसे प्रकाश आ जाता है हमें सारी चीजें दिखाई देने लगती है। उसी तरह से हम भी क्या इस दुनिया के लिए प्रकाश है, क्योंकि हम है, हमारे उस प्रकाश की वजह से दूसरे क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं। और हमें क्या करना है, बहुत बहुत तेज चमकना है। अगर एक कमरे में लाइट अगर हल्की हो तो चीजें धुंधली धुंधली दिखती है, साफ नहीं दिखती। जितना प्रकाश तेज होता है उतना ही साफ दिखाई देता। तो हमें भी क्या करना है, अपना मन बनाना है कि मैं कैसे चमकूंगा, चमकूंगा बहुत बहुत तेज चमकूंगा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। अपने घर में, परिवार में, स्कूल में, अपनी सोसाइटी में, अपनी एरिया में, अपने शहर में, हालेलुया, कैसे चमकूंगा बहुत बहुत तेज, प्रेज द लॉर्ड। जहां पर भी हम जाएंगे वहां पर क्या करना है, हमें चमकना है, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। तो क्या करना है, अपने प्रकाश को चमकाना है जहां कहीं पर भी आप जाते हैं। हालेलुया। और याद रखिए पवित्र आत्मा आपके साथ है आपकी सहायता करने के लिए, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। तो जैसे मैंने आज बताया है कि अपने प्रकाश को क्या करना है, चमकाना है, तो जाइए और अपने प्रकाश को चमकाइए, और जो बताया है उसे अपने दोस्तों के साथ भी जरूर शेयर कीजिएगा। हालेलुया। अगले रविवार को हम फिर मिलेंगे, तब तक के लिए बाय एंड गॉड ब्लेस यू। वाव, हमने बहुत कुछ सीखा, और अब ये टाइम है घोषणा का। हाय दोस्तों, हमने बहुत एंजॉय किया प्रार्थना, आराधना और डांस में, और ये समय है घोषणा का। अपने हाथों को उठाकर मेरे पीछे बोल सकते, परमेश्वर की बुद्धि जो मेरे अंदर है, रचनात्मक चीज़ों को पैदा करती है। मैं जो भी करता हूँ उसमें मैं क्रिएटिविटी दिखाता हूँ। मैं असाधारण और विशेष हूँ। मैं फलदायी हूँ। मुझे कोई घटी नहीं है। मेरे हर काम में इनोवेटिवनेस दिखाई और सुनाई देती है। मैं पवित्र आत्मा से भरी हुई हूँ। हालेलुया, थैंक यू, बाय बाय, गॉड ब्लेस यू। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। अगर आप हमारा ये प्रोग्राम पहली बार देख रहे थे और अभी तक आपने यीशु को अपना दोस्त, अपना प्रभु नहीं बनाया है, तो यहाँ पर ये अवसर आपके पास है। आप हमारे साथ ये प्रार्थना कर सकते हैं, और इस प्रार्थना के द्वारा आप यीशु को अपना दोस्त, अपना प्रभु और परमेश्वर के इस महान परिवार का हिस्सा हो सकते हैं। हालेलुया। तो जहां कहीं पर भी आप हैं, अपने हाथों को उठा लीजिए, अपने आंखों को बंद कर लीजिए और मेरे साथ इस प्रार्थना को बोलिएगा। बोलना बहुत जरूरी है, तो इसे मेरे साथ बोलिएगा। ओ प्रभु परमेश्वर, मैं अपने पूरे हृदय से यीशु मसीह जीवित परमेश्वर के पुत्र में विश्वास करता हूँ। मैं विश्वास करता हूँ कि यीशु मसीह मेरी आत्मा को बचाने के लिए क्रूस पर मरे और परमेश्वर ने उन्हें तीसरे दिन मरे हुओं में से जीवित किया। आज वह जीवित है। मैं यीशु मसीह को बुलाता हूँ अपने जीवन का प्रभु और स्वामी होने के लिए। मैं विश्वास के द्वारा अनंत जीवन को ग्रहण करता हूँ। धन्यवाद परमेश्वर, मैं बच गया हूँ, मेरा नया जन्म हो गया है। आज से मैं परमेश्वर की संतान हूँ। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। अगर आपने मेरे साथ ये प्रार्थना की है तो कांग्रेचुलेशंस, अभी आप परमेश्वर के इस महान परिवार का
हिस्सा है। अगर आपने ये प्रार्थना की है तो ये समय है कि मैं आपके लिए प्रार्थना करूंगी। धन्यवाद परमेश्वर, मैं आपका धन्यवाद देती हूँ। हर एक व्यक्ति के लिए मैं प्रार्थना करती हूँ जिसने अपना जीवन आपको दिया है। मैं शैतान के हाथ को इनके ऊपर से काटती हूँ। शैतान का इनके जीवन के ऊपर कोई कब्जा अधिकार नहीं है। मैं यीशु मसीह के नाम को बोलती हूँ और मैंने आशीष देती हूँ आपके वचन के द्वारा, आपके आत्मा, आपके अनुग्रह, आपके आशीष के द्वारा। हाँ प्रभु, ये आशीषित और एक आशीष है, ये सुरक्षित है यीशु मसीह के नाम में। परमेश्वर मैं आपका धन्यवाद देती हूँ, धन्यवाद देती हूँ। और ये सारी प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, आमेन। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। ये समय है ऑफरिंग का, इस समय हम अपने भेंट दे सकते हैं। डिटेल स्क्रीन के ऊपर है। अगर आप घर से ऑनलाइन देख रहे हैं, अपने मम्मी पापा से बात करके आप बैंक ट्रांसफर के द्वारा अपना भेंट दे सकते हैं। अगर आप सेंटर में हैं तो अपना भेंट सेंटर में दे सकते हैं। चलिए हम भेंट के लिए इस समय प्रार्थना करेंगे। परमेश्वर मैं आपका धन्यवाद देती हूँ उस भेंट को लाने का अनुग्रह अवसर के लिए। ये भेंट आपकी आत्मा के द्वारा पवित्र और आपको ग्रहण होने के योग्य है। धन्यवाद प्रभु, जैसे ही हमने दिया है, देने और ग्रहण करने का अनुग्रह हमारे जीवनों के ऊपर बढ़ता है। हमारे जीवन में कभी किसी अच्छी वस्तु की कमी नहीं होगी। जैसे ही हमने दिया, उसकी बड़ी हुई फसल को हम पाते हैं यीशु मसीह के नाम में। और इन भेंटों के ऊपर हम आपके आशीष के आवाहन को कहते हैं। ये भेंट भेंट बढ़ रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है, राज्य की हर एक जरूरतों को तेजी के साथ पूरा करते हुए धन्यवाद देते हैं परमेश्वर। और इस सारी प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, आमेन। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। ये समय है हीलिंग का, चंगाई का। अगर आप में से कोई भी ऐसे जिनकी तबीयत ठीक नहीं, आप बीमार हैं, तो ये समय हम आपके लिए प्रार्थना करेंगे। और विश्वास कीजिए कि जब हम प्रार्थना करें, परमेश्वर का सामर्थ वहां पर काम कर रहा है आपको चंगा करने के लिए। और जहां पर भी परेशानी, एक हाथ वहां पर रख सकते, एक हाथ स्क्रीन की ओर बढ़ा सकते हैं और हमारे साथ इस प्रार्थना को आप कर सकते हैं। रिबो सोक्रता एप आहांत्र दे बो कोला सीक्रल बो कोता इपता के अशकात म आंत बे के पो को सो ओखा ही द्रबा बो का तारल बो त्रबी शता क बो क्रता ही प्रभु। प्रभु मैं धन्यवाद देती हूँ हर एक व्यक्ति के लिए। मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु, आई कमांड एवरी सिकनेस, एवरी इन्फॉर्मिटी टू लीव इन द नेम ऑफ जीसस, हालेलुया। मैं हर एक दर्द को जाने के लिए बोलती हूँ। हाँ प्रभु, उनके शरीर के हर एक अंको मैं आदेश देती हूँ सही से काम करने के लिए यीशु मसीह के नाम में। ओ गाबो सातानी मो काता की असात्र बो को हात्र दे सर के बाल से लेके पैर के नाखून तक निश्चय कण कण में आपका जीवन, आपका सामर्थ्य काम कर रहा है प्रभु। मैं धन्यवाद करती हूँ वो अहात्र दा रीबो इनकी हड्डियों में आपका सामर्थ्य है। रोग का सुकंत ए आंत्र बो रीबो को ताकि ओ सत्ता होत्र दे। हाँ प्रभु मैं धन्यवाद करती हूँ, जैसे हम प्रार्थना कर रहे हैं प्रभु, हेल्थ इज रिस्टोर्ड, हेल्थ इज restored. Yes, so Lord, they are receiving the healing in the name of Jesus. Hallelujah. हाँ परमेश्वर मैं आपको धन्यवाद देती हूँ। ये स्वस्थ है, ये चंगे है यीशु मसीह के नाम में। Hallelujah. और ये सारी प्रार्थना हम प्रभु यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं। Amen. Hallelujah. Praise the Lord. अगर आपने हमारे साथ ये प्रार्थना की है तो मुझे विश्वास है कि आपने अपनी चंगाई को ग्रहण किया है। हमारे डिटेल्स स्क्रीन के ऊपर है। आप हमें फोन करके, मैसेज करके जरूर बताइए कि परमेश्वर ने आपके साथ क्या किया है। थैंक यू, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। वाव, हमने कितना कुछ आज किया और कितना आनंद आया, नाचने में, गाने में, एक्शन डांस, वास्तविकता संग्रह को पढ़ा, घोषणाएं की, कहानी सुनी, हालेलुया। मुझे पता है आप सबको बहुत बहुत मजा आया है। और जैसे मैं हमेशा बताती हूँ, इस लिंक को अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा, दोबारा देखिएगा और जो कुछ हमने सिखाया है अपने दोस्त, अपने परिवार वालों के साथ भी जरूर शेयर कीजिएगा, हालेलुया। और एक बहुत जरूरी अनाउंसमेंट है, 11 और 12 जून को हमारा मसीह उमंग म्यूजिक एंड आर्ट्स फेस्टिवल है, ग्लोरी हालेलुया। जैसे मैंने पहले भी बताया था, एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पे आप अपना टैलेंट दिखा सकते हो। और आप ही नहीं, आपकी पहचान का कोई भी इसमें पार्टिसिपेट कर सकता, आपके परिवार हो सकते, आपके दोस्त हो सकते, आपके रिश्तेदार हो सकते, कोई भी टैलेंट। अच्छा गाते हैं, नाचते हैं,
आर्ट, ड्राइंग, आर्ट, स्पोर्ट्स, कोई भी, कुछ भी, हालेलुया, कोई भी इसमें पार्टिसिपेट कर सकता है, हालेलुया। अलग अलग कैटेगरीज है जिसमें आप पार्टिसिपेट कर सकते हो। समय ज्यादा नहीं हमारे पास है ना, तो डिटेल स्क्रीन के ऊपर एक कॉल करके और जानकारी के लिए फोन कीजिए, हमसे बात कीजिए और इस फेस्टिवल में पार्टिसिपेट करने के लिए रजिस्ट्रेशन करना बहुत जरूरी है। डिटेल स्क्रीन के ऊपर आज ही अपने आप को रजिस्टर कीजिएगा और अपने दोस्तों को भी इस फेस्टिवल के बारे में जरूर बताइएगा। हालेलुया। चलिए, जहां कहीं पर भी आप हैं, प्रार्थना करेंगे। अपने स्थानों पर हम खड़े हो सकते हैं, अपने हाथों को स्वर की ओर उठाएंगे, परमेश्वर का धन्यवाद देंगे। ओ जाता एहांता लबो गुहा प्रही द्रबोस्वर रीमाला खोंत्र ली प्रकाही सक्रतो खाला बो शतार लबोंत्र दे। हाँ परमेश्वर, मैं आपका धन्यवाद देती हूँ। राजाओं के राजा, प्रभुओं के प्रभु, परमेश्वर धन्यवाद हर एक व्यक्ति के जो भी इस प्रोग्राम को देख रहे। मैं धन्यवाद देती हूँ प्रभु कि आपका वचन उनके जीवनों में बढ़ रहा है, प्रबल हो रहा है। मैं यीशु मसीह के नाम को उनके ऊपर बोलती हूँ। मैं कहती हूँ वो आशीषित है और एक आशीष है, वो सुरक्षित है प्रभु, उनके परिवार सुरक्षित है प्रभु। मैं धन्यवाद करती हूँ कि सारी चीजें मिलकर इनके लिए भलाई को उत्पन्न कर रही है और इनके विरोध में टोला कोई हत्या कभी सफल नहीं हो सकता। यह हर दिन आपकी शांति, आनंद और भरपूरी में चलते हैं प्रभु। धन्यवाद प्रभु आपके महान प्रेम के लिए, धन्यवाद देते परमेश्वर। और इस सारी प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, आमेन। मेरे साथ बोल सकते हैं, परमपिता का प्रेम, यीशु मसीह का अनुग्रह और पवित्र आत्मा की सहभागिता हमारे साथ सदा के लिए बनी रहे, यीशु मसीह के नाम में आमीन। निश्चय ही भलाई और करुणा सदा मेरे जीवन में निवास करेगी और मैं सदा के लिए परमेश्वर के घर में निवास करूंगी, यीशु मसीह के नाम में आमीन। हालेलुया। अगले रविवार को हम फिर मिलेंगे, तब तक के लिए बाय बाय एंड गॉड ब्लेस यू। बाइबल कहती है, इसलिए तुम जाओ और सारे देशों को सिखाओ और उन्हें पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम में बपतिस्मा दो और उन्हें सब बातें जो मैंने तुम्हें आज्ञा दी है मानना सिखाओ और देखो मैं जगत के अंत तक सदा तुम्हारे साथ हूँ। भारत की कुल जनसंख्या 136 करोड़ से भी अधिक है, जहाँ पर 447 से भी अधिक बोली जाने वाली भाषाएं हैं। 31 मई 2021 तक हम पूरे भारत में 10 लाख वास्तविकता संग्रह की प्रतियां बांट रहे हैं और भारत के हर जिले में 200 वास्तविकता संग्रह की प्रतियां बांट रहे हैं। भारत की 20 से भी अधिक भाषाओं में हिंदी, मराठी, इंग्लिश, गुजराती, तेलुगु, तमिल, कन्नड़ा, पंजाबी, बंगाली, असमी, मलयालम, कोंकणी, ओडिया, राठवी बरेली, डोगरी, मणिपुरी, नागामिस, मिजो, गढ़वाली, छत्तीसगढ़ी। भारत में 42 करोड़ से भी अधिक टीनेजर्स और 16 करोड़ से भी अधिक बच्चे हैं। हम भारत के हर टीन्स और हर बच्चों के पास पहुंच रहे हैं हमारे टीवो और अर्ली रीडर्स के साथ, और हम 5000 टीवो और 10000 अर्ली रीडर्स हर महीने बांट रहे हैं हिंदी और इंग्लिश भाषा में।
हम तैयार कर रहे हैं 5000 नए पार्टनर्स 31 मई 2021 तक 200 कॉपीज के साथ, और हम तैयार कर रहे हैं 300 पार्टनर्स हर महीने 300 भाषाओं के लिए 5000 रुपए की पार्टनरशिप के साथ। आज ही एक पार्टनर बन जाइए वास्तविकता संग्रह, टीवो और अर्ली रीडर्स के साथ में। आप पार्टनरशिप कर सकते हैं 10 कॉपीज, 20 कॉपीज, 50 कॉपीज, 100 कॉपीज और 1000 से भी ज्यादा कॉपीज के साथ। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें। सब्सक्राइब टू आवर चैनल, हिट द बेल आइकन, लाइक, कमेंट एंड शेयर। थैंक यू and God bless you.